अध्यक्ष चुप थे, उनकी धर्मपत्नी भी चुप थी। चुप थी नहीं थी तो इस बात को ध्यान रखना, मैं बोलूंगी जो झंडे डंडे इनके उठा रहे हैं कि आपका अपना घर कांग्रेस है, क्योंकि जो आजादी रैली कांग्रेस ने सिखाई इस भारत के अंदर और लोकतंत्र ने सिखाई, वो आपको कोई पार्टी नहीं सिखाने देगी। ये तो खुद चाहते हैं कि तुम्हारा उत्पीड़न हो, ताकि तुम इनकी गलियों में भागो, ताकि तुम इनके साथ रहो, ताकि तुम इन्हें महसूस कराओ कि हाँ तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं है। ये जानबूझकर ये खुद चाहते हैं कि तुम्हारे साथ ना इंसाफी हो। तुम्हारे उत्तर प्रदेश में 25 दिन पहले घटना हुई, क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं पता, क्या बसपा के नेताओं को नहीं पता, क्या आवाज उठाई तुम्हारी? नहीं उठाई। अगर तुम फिर भी इन बातों को नहीं समझते हो तो बेकार है मंच लगाने, बेकार है किसी को समझाना, क्योंकि हमारे वाले तो समझ गए हैं, सुधर गए हैं, भूल करके वापस आ गए हैं। अब जरूरत है तुम्हारी और हमारी सबकी कि तुम्हारी जो भूल है भाई साहब उसको तुम सुधारो। अपने चेयरमैन प्रत्याशी अजमल भाई की धर्मपत्नी ताबिर अजमल जी को यहाँ से भारी संख्या में जिताओ, ताकि आप कह सको कि तुमने हमें रास्ता दिखाया, हमने तुमको रास्ता दिखा दिया। किस बारों जैसे बलात्कारियों को रिहा किया गया, तुम्हारे पार्टी के अध्यक्ष बोले जिनको तुमने मुख्यमंत्री बनाया? नहीं बोले ना? नहीं बोले। किस बारों का बलात्कार हुआ, बलात्कारियों को रिहा किया गया? मनीषा वाल्मीकि दामिनी शर्मा का बलात्कार हुआ, बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, हत्या हो गई, रात के अंधेरे में 2 बजे जलाया। किस बारों के जो बलात्कारी थे उनके गले में हार डाले, क्या गणेश जी गए किस बानों से, क्या उनसे पूछा? या ट्विटर पर बैठकर राजनीति होती है? हमारे नेता गए, इमरान जी गए, उन्होंने पूछा, दर्द तकलीफ हर आवाज को उठाया और यहाँ से लेकर आज तक आवाज उठा रहे। तो तुमने जो ये 35 साल से 30-35 साल से क्षेत्रीय पार्टियों का डंडा झंडा उठाया उसको उठाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जान बूझ कर चाहते हैं कि तुम्हें सरकार प्रताड़ित करे, कि तुम उनके पीछे लग जाओ कि हमारी आवाज तो बस यही आदमी उठाएगा और फिर वो तुम्हारी आवाज नहीं उठाएगा। ये ध्यान रखना तुम लोग, जैसा जो इस बहादुर की जनता का मैं पहले दिन देख रही थी जिस दिन पर्चा भरवाने के लिए आई थी, वही देख रही हूँ। लेकिन इसको वोट में तब्दील कराना आपकी जिम्मेदारी है, आपके प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा वोटों में जब आप जिताओगे इतिहास में नाम होगा। ये पासू की वो धरती है जहाँ रामलीला होती है तो मुस्लिम मंच लगाते हैं। मैं आई थी उस मंच पर भी, ये वो धरती है, ये भाईचारे की एकता की मिसाल पैदा करने वाली धरती है। और तुम्हारे जितनों के जितने भी सामने खड़े हैं, एक आदमी बता दे कि तुम्हारे बुजुर्गों का इस देश को आजाद कराने की लड़ाई में योगदान नहीं है, क्या कोई है ऐसा? नहीं है ना? अगर तुम्हारा बुजुर्ग